दुनिया में तीन श्रेणी के मनुष्य होते हैं, गृहस्थ होते हैं, विरक्त होते हैं और गुणातीत होते हैं। गुणातीत अवस्था जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। प्रायः साधक कहते हैं कि महाराज मन चंचल है, नहीं ठहरता। गुणातीत अवस्था का अर्थ है मन एकदम मर जाना। बिना मन मरे अमृत फल नहीं मिलेगा। जिसका मन मर गया गुणातीत हो गया, लेकिन पहले गृहस्थी है, तब विरक्ति है, तब गुणातीत अवस्था। इसलिए साहब क्रमशः कहते हैं, हद चले सो मानवा। गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चलता है वो मनुष्य, और बेहद चले सो साध। जो बेहद चलता है, गृहस्थी की सीमा को छोड़ देता है, वो साधु। और हद और बेहद दोनों से ऊपर उठ जाता है, उसका मत अगाध है, गुणातीत है। गृहस्थ शब्द में दो पद है, गृह और अस्थ। गृह नाम घर, अस्थ नाम स्थित। जो घर में रहे वो गृहस्थ है। यास्क मुनि ने अपने निरुक्ति में ये परिभाषा की है गृहस्थ की, गृह की, कि गृह जो पकड़ ले और जितना लाला के घर में धरो अपूर्ण लगे, लगे कि अभी मिला नहीं, पूरा हुआ नहीं। जितना ला के घर में धरो सब लगता है कम है, और मिलता और मिलता और मिलता। ये गृह का अर्थ है। ये शायद उन्होंने व्यंग में कहा हो। जो मनुष्य की खोपड़ी है तृष्णा से लबालब भरी, उस पर व्यंग है उनका। कहते हैं कि एक महात्मा अवधूत थे, वह एक पात्र में भोजन मांगते थे और खाते थे। तो एक राजा के यहाँ वो गए और कहे हम भूखे हैं, लाओ। तो पात्र ले लिए, तो उसमें दाल डालें, बाल्टी बाल्टी दाल डालें और उसमें पता नहीं खो जाए, टोकरी टोकरी भात डालें और उसमें दिखाई ही नहीं दे। तो राजा का भंडार घर सुना हो गया, सब पात्र में पता नहीं कहाँ चला जाए। तो एक दूसरे महात्मा आए, तो उन्होंने उसको देखा तो कहा, अरे भाई ये तो मनुष्य की खोपड़ी है, ये धातु का बर्तन होता तो थोड़े में भर जाता, ये मनुष्य की खोपड़ी है। तो ये व्यंग है। मनुष्य की खोपड़ी में भी जितनी वस्तु डालोगे उतने रहेगी, घटेगी नहीं। चमत्कार बिल्कुल झूठ है, ये ध्यान दीजिए। चमत्कार का अर्थ है बाबा आकाश में उड़ते हैं, 500 बरस के हैं, जो चाहे सो कर देते हैं, चुटकी बजाते किसी का रोग दूर कर सकते हैं, बच्चा दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, पानी पर वैसे चल सकते हैं जैसे कोई पृथ्वी पर चले, स्वयं भुनगा मच्छर बन सकते हैं और हाथी बन सकते हैं। हनुमान जी लंका गए तो ऐसे किए, बहुत छोटा रूप बना लिए और फिर पर्वताकार कर लिए। इसी प्रकार 2 किलो चावल के भात में कई हजार लोगों को खिला दिया और 1 अंडा भात बच गया, ये महात्मा की कृपा। महात्मा की कुटिया बन रही थी, 20 फीट के सातीर की जरूरत थी तो 19.5 फीट थी, 6 इंची कम थी। अब 6 इंची कम थी तो दीवार पर कैसे पहुँचे अगले हिस्से में, तो महात्मा ने उसको ताक लिया, बस वो बढ़ गई। ये सब चमत्कार की बात, ये सब पूरक पूरा झूठ है, छल कपट है। धर्म के जामा में छल कपट।
और ये छल कपट पूरा काल से किया गया है और सभी संप्रदायों में है, कोई बचा नहीं है। कबीर ने इस चमत्कार के प्रपंच में आग लगा दिया, लेकिन कबीर पंथ में आकर के वो चमत्कार जम गए। इसीलिए एक कबीर से काम नहीं चलेगा, और को कबीर होना पड़ेगा। एक कृष्ण से काम न चलेगा, और कृष्ण होना पड़ेगा। कृष्ण महाक्रांतिकारी, कृष्ण की प्रथम चर्चा ऋग्वेद के 8वें मंडल के 96वें सूक्त में आता है, और जहाँ खिल भाग नहीं है वहाँ 86वें में आता है, 50वें में। और वह तीन मंत्रों में उनका वर्णन है, वन्य जातियों के नायक 10,000 सेना लेकर के अंशुमति नदी के तट पर सूरज के समान अवस्थान प्रस्थान करने वाला, चीत्कार करने वाला, इंद्र ने उसे परास्त किया। ये वेद में आता है, क्योंकि कृष्ण यज्ञ के विरोधी थे। यज्ञ में पशुवध होता था, कृष्ण पशुपालक थे। और कृष्ण केवल आर्यों के रक्षक नहीं थे, मानव मात्र के रक्षक थे। इसलिए कितने चिंतक कहते हैं कृष्ण स्वयं आर्य नहीं थे, क्योंकि वो भी काले थे। तो आर्य अनार्य तो बकवास है, सब आर्य हैं, अनार्य कोई नहीं। कृष्ण छांदोग्य उपनिषद में जीवन यज्ञ का उपदेश घोरांग्रस से पाते हैं, और आत्मज्ञानी हैं। महाभारत में वह नेता हैं, राजनीतिक हैं, गद्दी पर कभी नहीं बैठे, लेकिन गद्दी वालों को नचाते रहे जीवन भर। शूरवीर, दुष्टों के दलन करने वाले, रसिया नहीं। महाभारत में 100,000 से कुछ ज़्यादा श्लोक हैं, कहीं भी रसिया की चर्चा नहीं। लेकिन आगे चल करके उनको रसिया बनाया गया, और इतना घोर रसिया बना दिया गया कि हद कर डाला गया। गरग संहिता में तो कहा गया उनके खरबों स्त्रियां थी। आवाज पूरी दुनिया में 5-6 अरब आदमी होंगे या 7 अरब हों बस। तो ये चमत्कार की लीला चारों तरफ, कृष्ण जैसा क्रांतिकारी पुरुष के पीछे घोर चमत्कार। श्री राम को शाम को बताया गया राज्य और सुबह दिया गया वनवास, लेकिन वे किसी पंडित को बुला करके अपना हाथ नहीं दिखाए, जन्म कुंडली नहीं दिखाए, वशिष्ठ से भी नहीं कहे महाराज ये क्या हमारे ऊपर ग्रह टेढ़ा है, थोड़ा कुछ यज्ञ वज्ञ करवा दीजिए, ये ग्रह उतर जाए। मिलने ही नहीं गए वशिष्ठ से, किसी से कुछ नहीं कहे, तुरंत बलकल धारण करके चल दिए। कहीं वह देवी देवता नहीं मनाए ये हमारा कष्ट दूर कर दें, जीवन भर आग से जूझते रहे। ये सब तो इतिहास के बाहर हैं, प्राक इतिहास काल के पुरुष हैं। कबीर तो इतिहास काल के क्या, अभी अभी 600 बरस के, और उनकी वाणी कही हुई है। राम ने, कृष्ण ने क्या कहा, ये तो उनका काव्य नहीं है। गीता भी लिखी गई है ईसा के 300-400 बरस पहले, और ईसा के 400-500 वर्ष बाद तक उसमें श्लोक बनते रहे। मेरी एक पुस्तक है श्री कृष्ण और गीता, छोटी सी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। बौद्धों का जो मत ईसा के 300-400 वर्ष बाद उदय हुए हैं, उन मतों का खंडन वेदांत दर्शन में, ब्रह्मसूत्र में। अब उस ब्रह्मसूत्र की चर्चा, जो बौद्धों का खंडन है उसकी, यानी उपनिषद की चर्चा, वेदांत की चर्चा, ब्रह्मसूत्र की चर्चा गीता में। तो बौद्धों का विचार पहले आया, तब ब्रह्मसूत्र में गया, और ब्रह्मसूत्र से तब गीता में गया। इसमें समय लगता है। और बौद्धों का वो दार्शनिक विचार ईसा के 300-400 वर्ष बाद उदय हुए हैं।
तो श्री कृष्ण महाराज ने कुछ लिखा, राम ने कुछ लिखा, ऐसा नहीं। उनके विषय में कहा गया, कबीर की तो वाणी है अत्यंत क्रांतिकारी, लेकिन कबीर के पीछे इतना चमत्कार जोड़ा गया है कि हद है, सबका चमत्कार फीका कर दिया गया। क्योंकि कमाने खाने का धंधा चमत्कार सबसे बढ़िया चीज है। अगर आप चमत्कार फैलाएं तो धन और जन बढ़ेगा। अगर यहाँ प्रचार कर दिया गया होता कि भारत से हमारे महात्मा आए हैं, आ रहे हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो चाहें सो कर दें, तो इसके लिए बहुत बड़े मैदान की ज़रूरत होती। पूरा नेपाल, काठमांडू उमड़ पड़ता। तो चमत्कार कमाने खाने का धंधा है, और धर्म चमत्कार में डूबा है। धार्मिकों ने लौकिक लाभ के लिए चमत्कार का प्रपंच फैलाया। इससे आप सावधान हो। योग दर्शन की रचना हुए ऐतिहासिक दृष्टि से 2100 वर्ष हुए हैं, और उस पर भाष से पहला व्यास का है, वेद व्यास का नहीं, व्यास दूसरे हैं चिंतक, उनका है, और उसके बाद कई भाष्य है। मैंने अपने भाष्य में सबकी चर्चा की है जो मुख्य मुख्य थे। वेदव्यास ने स्वयं चमत्कार की बात ज्यों की त्यों रखी है और जड़ दिया है विभूतिपाद में। कई पंडित कहते हैं कि आपने पहली बार योग दर्शन के भाष्य में विभूतिपाद के चमत्कारों का खंडन किया है, और किसी ने नहीं किया, और पंडितों ने स्वीकारा कि बिल्कुल सच आपने किया। ये गतानुगतिका चमत्कार इतना व्याप्त है चारों तरफ कि इसको कहने में लोग समझते नास्तिकता हो जाएगी अगर खंडन करेंगे। नास्तिक होने से आप डरना चाहें, डरेंगे तो आपको सच्चा बोध नहीं होगा। नास्तिक कौन, मेरी एक पुस्तक है, पतली सी है, कबीर दर्शन का एक संदर्भ है। आप देखिए, नास्तिकता से कोई बचता ही नहीं। स्वामी शंकर ने वैष्णव को अवैदिक कहा, अवैदिक हो नास्तिक है, और वैष्णव ने शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा, अवैदिक नास्तिक हो गए। स्वामी दयानंद ने इन दोनों को नास्तिक खुल करके कहा है। तो ये दोनों मत वाले दयानंद सरस्वती को नास्तिक कहते हैं। हम आपको नास्तिक कहते हैं, आप हमें नास्तिक कहते हैं, सब मिला के सब नास्तिक हैं। तो ये नास्तिक शब्द कमजोरों का शब्द है। दुनिया में एक व्यक्ति मुझे नास्तिक नहीं मिला। जो नैतिकता को न माने वो नास्तिक है, और नैतिकता को चोर भी मानते हैं। चार चोर जब चोरी का माल बांटते हैं तो कहते, भाई ईमानदारी से बांटना, छिपाना नहीं। वहाँ भी नैतिकता का बीज है। लोग कहते मार्क्स नास्तिक है। जो मिट्टी की पिंड में ईश्वर देखता है वो आस्तिक है, जो शून्य में ईश्वर देखता है आस्तिक है, और जो मनुष्य में ईश्वर देखता है आस्तिक नहीं। मार्स मनुष्य में ईश्वर देखते हैं। मनुष्य की सेवा होनी चाहिए, मनुष्य में समानता होनी चाहिए। मार्स नास्तिक कैसे है? इसलिए नास्तिक दूसरे को कहने वाले खुद नास्तिक। दुनिया में कोई नास्तिक है ही नहीं। बस हमारा ईश्वर इतना लंबा है, आपका ईश्वर इतना लंबा है, इसी को लेके लड़ाई हो रही है। आवाज तक बेचारा ईश्वर किसी को नहीं कह पाया कि तुम लोग द्वंद्व मत करो, मैं ऐसा हूँ। तो अंधविश्वासों से ऊपर उठने की आवश्यकता, ग्रह पकड़ ले जो। लोग कहते महाराज क्या करूँ, गृहस्थी के जंजाल में फंस गया हो, एक हाथ जोड़ता हूँ चार हाथ टूटता है। ये क्यों? वो तृष्णा ये कहलाती है। पक्षी कभी कहते हैं, पक्षी के कुछ नहीं, चारा चुगते हैं, मस्त सो गए, चोरी होने कोई चीज़ें उनके पास नहीं, अब आपसे ज़्यादा प्रसन्न है, सुबह चहचहाने लगते हैं। अब आदमी सुबह उठता तो मालूम होता बीमार है, उदास खिन्न। तो गृहस्थ जो घर में रहा है, साधु भी घर में रहते हैं, उनके घर का नाम आश्रम है, कुटिया है, मठ है।
इसलिए घर में रहे सुगृहस्थ ये परिभाषा सही नहीं। गृहस्थ वह है जो विवाह करके रहे। विवाह विशिष्टम वहनम, विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से निभाना। अकेले आदमी नहीं रह पा रहा है इसलिए विवाह करता है और करना चाहिए। बाइबिल में, नई बाइबिल में भी है एक पत्र के उत्तर में कि ईश्वर अविवाहित को ज़्यादा पसंद करता है, तुम अविवाहित रह सको तो अच्छा है, ईश्वर की भक्ति करो, अब अगर तुम न रह सको तो विवाह कर लेना अच्छा है। कितना बढ़िया उत्तर है। सब वैसे नहीं रह पाएंगे, सबके इतना विवेक नहीं जग पाएगा, इसलिए विवाह करना उचित है। विवाह से गृहस्थी बनती है। आजकल मर्यादा के विरुद्ध बहुत हो रहा है और समाजशास्त्री उसको श्रेय दे रहे हैं। अमेरिका के समाजशास्त्रियों ने तो यहाँ तक कह डाला है कि विवाह निरर्थक है, विवाह प्रथा बंद होनी चाहिए, लेकिन वो पागल है। वहाँ तो ये तो कानून बन ही गया है कि लड़का लड़का शादी करे, लड़की लड़की, इससे घोर पतन और कुछ हो सकता है? जिस अमेरिका को माना जाता है पूरी दुनिया में सोने की नगरी आजकल, वहाँ इतना घोर पतन है कि लड़का लड़का शादी करता, लड़की लड़की शादी करती, क्या मतलब होता है? विवाह ठीक है, विवाह के बाद परस्पर में मधुरता की जरूरत है। पति पत्नी अगर मधुरता से बात करते हैं, मधुरता से रहते हैं, तो तीन पीढ़ी का कल्याण होता है। पति पत्नी गृहस्थी के रीढ़ हैं। पति पत्नी आपस में मधुर वर्ताव वाले हैं, एक दूसरे को समर्पित। वैदिक युग में ऐसे था मित्र भाव, बीच में विकार आया तो स्त्री दासी बन गई और पुरुष देवता, पुरुष को समर्पित हो। लेकिन ध्यान देना, पुरुष लोग ये देवियाँ झंडा उठा लेंगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज के युग में अब मित्र हैं और यही मित्रता वैदिक युग में थी, पीछे बीच में बिगड़ गई। पति पत्नी दोनों मित्र हैं, अगर पति देवता हैं तो पत्नी देवी है। पति बाहर काम करता है, पत्नी घर में काम करती, घर में कम काम नहीं है। अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं कि अगर पुरुष हल से घर जोते तो घर नहीं बिगड़ता है, और नारी सुई से घर जोते तो घर बिगड़ जाएगा, क्योंकि खजांची यही है, भंडारी यही है, प्रबंधक यही है, बच्चों को चलाने वाली यही है। कई स्त्री पुरुष में टकराव होता है, पति पत्नी दो मिलने आए, संपन्न है, योग्य हैं। पति ने कहा साहब इनको समझा दीजिए, मैं लड़कों को डांटता हूँ और ये लड़कों को श्रेय देती हैं, वह लड़के इन्हीं की तरफ रहते हैं। तो मैंने कहा तुम भी लड़कों को श्रेय दो तो सब एक तरफ हो जाओ। तो उनकी पत्नी हंसने लगी और बेचारे चुप हो गए। माँ का हृदय स्वाभाविक होता है प्यार का, तो प्रायः पुरुष समझता है कि बच्चे पत्नी की तरफ, मैं अकेला हूँ। और पुरुष का अहंकार, वो अपना अहंकार से डांट घास ज़्यादा रखता है, माता प्यार देती है। पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित हो, पत्नी समर्पित हो केवल ऐसी बात नहीं, मैं तो कहता हूँ गुरु शिष्य एक दूसरे को समर्पित हो। ये कहा जाता शिष्य समर्पित हो, गुरु को और समर्पित होना पड़ता है। शिष्य से त्रुटि हो जाए क्षम्य है, गुरु से त्रुटि हो क्षम्य नहीं। गुरु से आशा की जाती है कि पूर्ण हो गए, वही गलती करे तो कैसे बनेगा। विरक्ति मार्ग के जो साधु आते हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। भक्त लोग, गृहस्थ लोगों की दीक्षा हो गई, वो अपने घर में है, कभी मिल गए मिल गए। और जो घर छोड़ के आता है, माँ बाप परिवार धन दौलत सब छोड़ के आता है केवल गुरु पर, इसलिए गुरु की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको भी समर्पित होना होगा। एकांगी बात न चलेगी। पति पत्नी दोनों दोनों को समर्पित हों।
पति के लिए धन पत्नी है और पत्नी के लिए धन पति है। कितनी देवियां पतियों को ऐसे ऐसे कट वचन कहती हैं कि हमारी सहेलियों को इतने आभूषण मिले, ऐसे कपड़े मिलते हैं, हमारे माँ बाप ने तो हमें हमारा गला काट करके तुम्हारे घर रूपी कुएं में डाल दिया, तुम्हारी कमाई में कुछ आंटता ही नहीं है। ऐसे ऐसे वचन कहती हैं कि पति को बहुत परेशानी होती है। अगर लड़की को जेवर ही को श्रेय देने वाली वो है तो अपने पिता से कह देती कि आभूषण बनवा करके लड़की की शादी आभूषण से कर देता, बस पुरुष की जरूरत नहीं थी। अगर किसी पुरुष से शादी हुई तो पुरुष धन है, गहना में क्या धारा है, गहना तो जेलियों का साज है। ये देवियां अभी भी जेल खाने से मुक्त नहीं होना चाहती। हाथ में हथकड़ी, गले में तौंक, पैर में बेड़ी और थोड़ा थोड़ा सोना चांदी के लिए नाक कान सब छदा लेना। जगो, ऊपर उठो, अपने पतियों को आभूषण और वस्त्र के लिए कट न कहो, जो है काफ़ी है, वस्त्र है तन ढकने लिए काफ़ी है, भोजन है, घर है, बस बहुत है, फटा चिटा है, उसी में दोनों प्रेम से रहो। पत्नी के लिए पति धन है और पति के लिए पत्नी धन है। जब एक दूसरे को धन मानेंगे तो धन के लिए वे अन्यथा नहीं कहेंगे। और यही बात सर्वत्र है, पिता के लिए पुत्र धन है, पुत्र के लिए पिता धन है, भाई के लिए भाई धन है। श्री राम ने भरत को धन माना, राज्य को नहीं, और भरत ने श्री राम को धन माना, राज्य को नहीं, तो दोनों के बीच में अयोध्या का राज गेंद हो गया। उन्होंने ठुकरा दिया। तब भाईचारे की कहानी रामायण बनी, किंतु महाभारत भ्रातघाती युद्ध की कहानी बनी, दोनों राज के लिए कटके मर गए। जोश में लोग अन्यथा करते हैं और पीछे पेट भर पछताते हैं। जोश छोड़ो, होश में आओ। पति पत्नी प्रेम से रहते हैं तो घर में जो बूढ़े हैं उनकी सेवा होती है और जो बच्चे होते हैं उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं। पति पत्नी लड़ाकू हैं तो माँ बाप की सेवा ठीक से नहीं होती और बच्चों को संस्कार नहीं मिलते हैं। एक घर में मेरा निवास था, दो बच्चे छोटे छोटे थे, पढ़ रहे थे, पति पत्नी खूब लड़ रहे थे, तो बच्चे जब ऊब गए तो कहे मम्मी पापा आप लोग हल्ला बहुत करते हैं, हम लोग कैसे पढ़ें। तो मैं अपने आसन पर ही, मुझे हंसी आई कि देखो बच्चों को कहना पड़ता है। तो ये माँ बाप पति पत्नी का असभ्य व्यवहार, तीन पीढ़ी का हित, बुजुर्गों का, बुजुर्गों की सेवा, बच्चों को अच्छे संस्कार और पति पत्नी आनंद से रहेंगे। गृहस्थी में प्रवेश करने के बाद जब संतान आती है तो संतान के साथ अच्छा बर्ताव, और अहंकार का भाव उससे जुड़ता है वही विकार पैदा करता है। बच्चे कोमल होते हैं, प्रिय होते हैं, जब जवान होते हैं तो उनकी रुचियाँ होती हैं, उनके संस्कार, उनके स्वभाव, उनके गुण कर्म, तो भिन्नता होती है और उसमें खटकता है। फिर माता पिता बच्चों को कट कहते हैं, डांटते हैं। डांटना कभी बुरा नहीं है, लेकिन जब आप 20 बार प्यार करेंगे तो एक बार की फटकार गलत नहीं होगी। अगर आप फटकार ही फटकार करें, प्यार न करना जाने, तो बच्चे कब तक श्रद्धा समर्पित करेंगे, ये ध्यान देने योग्य बात है। स्नेह की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, सहने की जरूरत है। आपका बच्चा भले है लेकिन वो एक स्वतंत्र जीव है, उसके अपने संस्कार हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, सीख दो, समझ दो, अब वो जैसे हैं उसको स्वीकारो, जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, मजबूरी है, करोगे क्या।
विचारों की भिन्नता है तो उसको लेकर के कोई परेशानी नहीं है। सहो, कहीं कहीं सचमुच बच्चे गड़बड़ होते हैं, उसको भी सहना पड़ता है। लड़ने से बिगड़ने के सिवा और कुछ नहीं होगा। सदैव समता और शील में आनंद है। मन क्यों उलझता है? जो लोग शिकायत करते हैं कि मन बड़ा चंचल है, किसने बनाया है चंचल? हम लोगों ने बनाया है। अहंकार, क्रोध, तृष्णा, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के कलह, भोग वासना, हर चीज़ का लोभ लालच, इन सारे विकारी कार्यों के कारण मन में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा होता है और ये कूड़ा कबाड़ मन को उद्वेगित करता है और फिर शांति नहीं मिलती। मन को हमने बिगाड़ा है और हम ही को मन को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए विचारवान बनो, आहार विहार शुद्ध रखो। अंडा मांस मछली ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, सभ्यता के लिए भी ठीक नहीं, धर्म की दृष्टि से भी ठीक नहीं। ये उदाहरण देना, शास्त्रों में लिखा, पुराणों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, लेकिन पुराणों में तो बहुत बात लिखी है। दास प्रथा आप जानते हैं कि पुराणों में, नेपाल में तो अभी बहुत दिन तक रहा, अभी थोड़े दिन से दास प्रथा खत्म हुई है। भारत में बहुत पहले खत्म हुई, पूरी दुनिया में दास प्रथा थी, लेकिन दास प्रथा उचित तो नहीं थी। इसलिए उदाहरण से कोई बात सही नहीं होती है। अंडा मांस मछली का त्याग होना चाहिए, सात्विक भोजन, नशा का त्याग। के नशा मांस का भी त्याग न करोगे, हर गृहस्थ को विवेकवान संतों की संगत करना चाहिए। संत के नाम पर धूर्त हैं, धार्मिक गुरु के नाम पर धूर्त हैं, लेकिन इसीलिए संत और गुरु अपने आप में लांछित नहीं है। कंकर है और कंचन भी है, चावल है भूसी भी है, भूसी छोड़ो चावल लो। किसी संत गुरु से जुड़ना चाहिए और विचार लेना चाहिए। फैमिली डॉक्टर होते हैं, इसीलिए इसी प्रकार फैमिली गुरु भी होना चाहिए। किसी गुरु संत से जुड़ करके तो आपको अच्छे विचार मिलेंगे। बस सावधानी चाहिए कि धोखेदार वाला गुरु न मिले। चमत्कारी बाबा जो होते हैं, भगवान के दर्शन कराने वाले जो होते हैं, आनंद फानन में सब रिद्धि सिद्धि देने वाले होते हैं, ये धोखेबाज हैं। दर्शन जिसके होते वो दृश्य होता है। यत् चक्षुषाना पश्यति एन चक्षुंषु पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्यनेदं यदिदमुपास्ते, ये श्रुति वचन है। जिसे आंखें नहीं देखती, जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, उसको तू ब्रह्म जान। आँखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। गोस्वामी जी हर जगह श्री राम के सौंदर्य में आगंतुकों को मोहा दिया है, लेकिन जब उन्होंने सही बात कही तब कहा, देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नाही। जितना देखो सुनो गुनो, मोह पैदा करने वाला है, परमार्थ नहीं। इंद्रिय और मन के झरोखों से दुनिया को हम देखते हैं, उसी में क्षोभित होते हैं, और वो दुनिया की वस्तु हमारे पास रहने वाली नहीं। कितना प्रिय से प्रिय है उसका वियोग होता है। पत पत्नी जो साथ साथ हैं थोड़े दिन में बूढ़े हो जाते हैं। जब वे जवानी में इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को स्वर्ग मानते हैं और कुछ ही दिन में एक दूसरे को नरक मानने लगते। संसार का सारा रंग बदरंग हो जाने वाला है और इस पर सब समय संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने निर्देश किया कि कबीर धूर सकेली के पुड़ी जो बांधी ये, चार दिवस का देखना अंत खेह की खे। बालू
धूल बटोर करके मैंने एक शरीर की पूड़िया बांध ली। चार दिन का देखने भर का अंत में धूल का धूल। कबीर नौबत आपनी दिन दस लेहु बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो हुआ है। अब श्री आज्ञा साहेब ये आश्रम देखने नहीं आए। ये बानेश्वर की गली और काठमांडू की सड़कें देखने नहीं आएंगे, भक्तों को समझाने नहीं आएंगे। ये सामने है इसलिए इसका उदाहरण दिया। ऐसे सबका है, कोई नहीं आएगा। संत जन कल्याण रूप है, वे संसार में नहीं आएंगे। जो कल्याण रूप नहीं है संसार में आएंगे, वो भी वो तो अस्मृत नहीं रहेगी कि ये मेरा है। सब कुछ क्षणभंगुर है, नाशवान है। ये विवेक जागे बिना किसी के मन का मोह मिट नहीं सकता है। साधना में प्रगति क्यों नहीं होती? क्योंकि वैराग का अभाव है। वैराग शब्द आप लोगों ने साधुओं की जिम्मी छोड़ दिया है। गृहस्थों के निकट वैराग नहीं आना चाहिए, लेकिन वैराग स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सबके लिए महौषधि। बिना अनासक्त हुए किसी का चित्त शांत नहीं हो सकता है। हर गृहस्थ को चाहिए कि नियम बनावे, अकेले में बैठे। संध्योपासना का विधान हुआ था, दुर्भाग्य से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों मात्र के लिए था। मुसलमानों में ऐसा नहीं है। नमाज पांच वक्त मुसलमान मात्र के लिए, चाहे वो सैयद हो, शेख हो, पठान हो, झलवा दुनिया हो, मेहतर हो, जितने मुसलमान हैं सब के लिए पांच वक्त नमाज और सब के लिए मस्जिद है। हिंदू में अंधजों के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए संध्या उपासना है, द्विजाति, शूद्र के लिए नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वेदों में कहीं नहीं कहा गया है कि उपासना के अधिकारी अमुक वर्ग के लोग हैं। पंच एमिरे जनाहा, ये ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। पंच एमिरे जनाहा, एमिरे नाम हवन करना, पंच जनाहा पंचजन यज्ञ करते हैं। पंचजन कौन है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद। और ये पंचजन शब्द अनेक बार दोहराया गया है और सबका अर्थ यही। विदेशी विद्वानों ने दूसरा अर्थ किया है, साण ने यही किया। साण का अर्थ ही सच है, वैसे विदेशी विद्वानों के कई अर्थ सच हैं, कहीं साण से भी गलती हुई, लेकिन यहाँ साण का अर्थ बिल्कुल सच है। मैंने अपने वेद में लिखा है, ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक, ये पांच वर्ग पूरी दुनिया में सब समय रहे हैं और सब समय रहेंगे। संध्या उपासना का अर्थ है संध्या काल में उपासना। संध्याएं चार हैं, रात और दिन का जोड़ सुबह है, दिन के दोनों पक्षों का जोड़ दोपहर है, दिन और रात का जोड़ सायंकाल है, जैसे ये समय, और रात के दोनों पक्षों का जोड़ आधी रात है। आधी रात में लोग सोते हैं, इसलिए आधी रात की संध्या को नहीं रखा गया। सुबह, मध्याह्न और सायं तीन समय रखा गया, लेकिन वो भी किताब में है। कितने द्विजात के लोग हैं जो संध्या उपासना करते हैं? संध्या उपासना का विधान वैदिक कोई बात नहीं। संध्या उपासना का अर्थ है संध्या काल में बैठ करके अपने आत्मा के निकट आओ। उपासना, उप निकट, आसना बैठना, अपने आत्मा के निकट आ जाओ। सुबह से शाम तक धाएँ धाएँ दुनिया के प्रपंच में दौड़ रहे हो तो थोड़ा समय अकेले बैठ जाओ, अपने आत्मा के पास आओ। जब ये रोज काम करोगे तो धीरे धीरे सधेगा, मन ठहरेगा, और उसके साथ जो प्रपंच है वो भी घटाओ। जहाँ गए अहंकार पूर्वक बात की, बात बात में लड़ गए, नौकर से लड़ गए, मालिक से लड़ गए, बच्चों से लड़ गए, दुकान पर सामान खरीदने गए वहीं लड़ गए, लड़ने भिड़ने की जो प्रवृत्ति रखेगा वो शांति नहीं पाएगा।
क्षमा कर देना, गम खाना, संतोष करना, तब मन में शांति आएगी। भोग की तृष्णा रखोगे कभी मन स्थिर नहीं होगा। कम से कम वस्तुओं में गुजर करने की प्रवृत्ति वाला शांति पाता है। जो अधिक से अधिक चाहता उसको कभी शांति मिल ही नहीं सकती। जो लड़ना चाहेगा, तृष्णा रखेगा, भोग लोलुप होगा, अधिकार की इच्छा रखेगा, मेरी बात मानी जाए, मेरी बात नहीं माना तो मार, तुर्रम खा बन गए, लाल लाल हो गए, ऐसे लोगों को शांति मिल सकती है। ये तो विचारों का अंतर है। मेरी बात कोई नहीं माना, नहीं माना, अहंकार को नम्र किए बिना किसी को शांति नहीं मिलेगी। हर स्त्री पुरुष को चाहिए रोज अकेले में बैठें, ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ें, चिंतन करें, अपने दोष को घटावें, सद्गुणों को बढ़ावें, मन की शांति वाला काम करें। ऐसा करते करते होगा, पक्का है होगा। मोक्ष और भोग, भोग परतंत्र है, मोक्ष स्वतंत्र है। भोग में हम परतंत्र हैं, मोक्ष में स्वतंत्र हैं। मोक्ष सरल है, भोग कठिन ही नहीं, असंभव। भोग मिलता है ग्रहण से, मोक्ष मिलता है त्याग से। ग्रहण करने में सब परतंत्र है, त्यागने में सब स्वतंत्र है। ये चीज़ जो अगली बिल्डिंग है ये मुझे मिल जाए, वो कैसे मिल जाएगी, वो दूसरे की है। लेकिन वो मुझे देना चाहें, मैं कहूँ मुझे नहीं चाहिए, तो क्या कठिनता है। छोड़ने में हम सरल हैं, पकड़ने में कठिनता है। जवानी जिनकी चली गई कहाँ से आएगी, जवानी बुढ़ापा सब बराबर है। आत्मज्ञानी के लिए कोई इच्छा ही नहीं है। त्याग से ही मोक्ष होता है, और त्याग में सब स्वतंत्र है। भोग ग्रहण करने से होता है, और भोग में सब परतंत्र है। राजे महाराजे कितना राज चाहते हैं, नहीं मिलता है। नेता लोग सब मंत्री बनना चाहते, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सब कैसे बनेंगे। अब तो जनतंत्र यहाँ हो गया है, कई पार्टियाँ हैं, सब पार्टी के लीडर प्रधानमंत्री होना चाहेंगे, होगा तो एक ही। तो भोग परतंत्र है, मोक्ष स्वतंत्र है, व्यक्तिगत है। कामना छोड़ दो मोक्ष, इच्छा छोड़ दो मोक्ष। सबको आध्यात्मिक काम करना चाहिए। और कितने साधु हैं जो इसी के लिए कमर कसे हैं। ऐसे भी साधु हैं जो ध्यान चिंतन मनन नहीं करते, ये उनका दुर्भाग्य अपना बनाया। और गृहस्थों में तो और असावधानी है। संत आए, आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये धन्यवाद है, आपकी श्रद्धा की प्रशंसा। किंतु इससे प्रेरणा लेकर के आप स्वयं तत्पर हों, जो आपका हृदय घर है उसको ठीक करने से आपका मंगल होगा। और सबका हृदय घर अलग अलग है, अपने अपने हृदय घर की व्यवस्था करो। कबीर साहब ने कहा, संतो घर में झगड़ा भारी। ऐ संतो, घर में बहुत भारी झगड़ा मचा हुआ है। वो घर क्या है, हृदय। उन्होंने ये भी कहा, घर में झगड़ा होत है सो घर जारो डारो जारी। घर में झगड़ा होत है सो घर डारो जारी। जिस घर में झगड़ा होता है उसको फूंक दो। तो ये नहीं कि घर में कहीं झगड़ा हो जाए तो मकान को जला दो। ये हृदय घर में झगड़ा हो रहा है, इसमें ज्ञान की आग लगा दो और अहंकार भस्म हो जाए। तो सुबह शाम अकेले में बैठो, अपने गुणदोषों पर विचारो, दोषों को घटाओ, अहंकार को झुकाओ, विनम्र बनो। पत पत्नी में टकराव अहंकार कारण है, गुरु शिष्य में टकराव भी अहंकार कारण है, भाई भाई में टकराव, गुरु भाई में टकराव अहंकार कारण है। कहीं भी अहंकार आता है टकराव होता है। एक दो व्यक्ति के अहंकार के परिणाम में विश्व युद्ध हुआ है। नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिरे जापान के, वो एक दो व्यक्तियों की मनोमालिन्यता का परिणाम था। वो बचा सकते थे, बहानेबाजी बहुत किए कि इस कारण से गिराया, इस कारण से गिराया। और जापान में जो जरूर क्षति हुई, लेकिन जापान इतना विकसित हुआ कि अमेरिका को झुकना पड़ा उसके सामने। जापान के सामान अमेरिका में पटे, तो
अहंकार को झुकाए बिना कभी कल्याण नहीं हो सकता है। एक दो संतान होने के बाद संयमी बनो। मैं तो कहा था पीछे दिनों में, संतान जिसके न हो वो दुखी न हो। वे समझ लें कि प्रकृति ने आधी झंझट काट दी है और वे साधना में लगे। जिनके बाल बच्चे उनको निभाना, वो कहाँ जाएंगे निभाएंगे। जिनके बाल बच्चे नहीं हैं उनका रास्ता हल्का है और वे अपने तन मन वचन धन को सन्मार्ग में वे करें, साधना में लगावें, शांति लें। इसके लिए देवी देवखुरी न भटकें। बच्चा के लिए बाबा के पास तमाम बाबा और बच्चा देने वाले बैठे हैं, मालूम होता झोली में वो बच्चे रखे हैं। ये सब भ्रांति। जीवन में एक होता है धन कमाने का समय, उसके पश्चात फिर साधना में लगना चाहिए। सेवा मुक्ति सरकार दे देती है 60 वर्ष की उम्र में, लेकिन अनेक गृहस्थ 90 वर्ष के हो जाए तो भी सेवा मुक्ति नहीं लेना चाहते। हर गृहस्थ को चाहिए अगर बाल बच्चे हैं तो उनको जिम्मेदारी दे दो और अपना हल्का फुल्का बनो। वानप्रस्थी का विधान पूर्वजों ने क्यों किया था, 50 वर्ष के हो जाओ वानप्रस्थी हो जाओ, बच्चों को केवल निर्देश कर दो, अपना साधना में लग जाओ। अब तुम भी वहीं बैठे हो और बच्चों को परेशान करते तो आपस में लड़ाई होगी ही। हट जाओ थोड़ा। पहले जंगल बहुत था, जंगल में वो रहने लगते थे झोपड़ी डाल करके, वानप्रस्थी। अब उतना जंगल नहीं है लेकिन तो भी घर ही में एक तरफ एक कमरे में रहो, साधन भजन करो और उचित निर्देश बच्चों को कभी कर दो, बहुत छेड़खानी न करो और हानि लाभ उनके जिम्मे छोड़ दो। अपने को हल्का फुल्का बनाओ। लेकिन मलकई की कामना ऐसी होती है चाबी बांधे घूमने में बड़ी गर्माहट आती है। एक घर में जब पहुंचा कार्यक्रम था मेरा, तो बुढ़िया 75 वर्ष की थी, उसने बंदगी की, धनी थी। तो मैंने कहा माता जी आनंद से रहती हो ना, नींद आती है ठीक से? कहे साहब नींद ठीक से नहीं आती। तो मैंने कहा चाबी तुम ही रखती हो? तो हंसने लगी, तो कमर में बांधे थी झप्पा दिखाई। मैंने कहा तुम क्यों रखती हो? कहे मेरे पति जो हैं बड़े भोले भाले हैं और 3 बच्चे हैं बड़े तेज हैं, और अगर मैं उनको दे दूँ तो एक ही खा जाएगा, और व्यापार चलता है, खेती होती है, धन माल की कमी नहीं महाराज, लेकिन बच्चे सब 3 बड़े तेज हैं। तो मैंने कहा तुम कब तक ये चाबी बांधे रहोगे? कितनी उम्र है? 75। हमके कब तक बांधोगी? तो हंसने लगी। मैंने कहा 3 बच्चे हैं, एक अपना, 4 हिस्सा कर लो तो कम से कम नींद बढ़ जाएगी तुम्हारी। और पूरी चाबी रखोगी तो तुम्हारी नींद नहीं आएगी। तो आदमी में जो मलकियत की भावना है चौधराना गांठने की, ये तृष्णा शांत हुए बिना कोई शांति नहीं पा सकता। कितने महंत लोग हैं, गुरु लोग हैं, महंती नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे हिल डुल न पावे लेकिन महंती नहीं छोड़ना चाहते। तो ये जो अधिकार की लालसा है शांत नहीं लेने देगी। अधिकार की लालसा से ऊपर उठो, साधना भजन में लगो। गृहस्थी धर्म में अगर कोई ठीक से चले तो विरक्ति का नंबर आ सकता है। कई गृहस्थ पूछते हैं महाराज घर छोड़ने से कल्याण होगा कि घर में हो जाएगा? मैं कहता हूँ भैया ना घर में कल्याण होगा ना घर छोड़ने से कल्याण होगा, मोह छोड़ने से कल्याण होगा। घर छोड़ दो मठ बना लो, मठ में मोह कर लो, वहीं कल्याण नहीं होगा। बाल बच्चे छोड़ दो चेला बनाओ, चेला मोह कर लो, वहीं कल्याण नहीं होगा। कुछ न बनाओ अपने अहंकार ममकार में मोह रहेगा, उससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए घर में हो, घर में वैराग करो, घर न छोड़ो। घर में वैराग करते करते जब ओवरफ्लो हो जाएगा वैराग का तो घर भी छोड़ सकते हो। लेकिन घर छोड़ दिए और 4 दिन के बाद सोचे अरे घर अच्छा था,
तब फिर जब घर में आओगे तो आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। एक सज्जन की ही दशा हुई थी, धनी आदमी थे और अधिकारी थे, रिटायर्ड हुए, अब उनके बच्चे और बड़े बड़े अधिकारी हो गए क्योंकि पढ़ाई जो पढ़ाई लिखाई का जमाना बढ़ा है। उनके चार बच्चे थे, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, तो उनके अहंकार की बात थी, उनको लगे कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, आदर नहीं देते हैं। ये जो बोध है अपमान का, तिरस्कार का, ये अपने अहंकार का फल है। इसीलिए वानप्रस्थ की ज़रूरत है ना, कि बच्चे अपने ढंग से रहें, आप अलग से उसमें रह करके भजन साधन करो। तो गुरु महाराज के पास आए, ये अयोध्या की बात है और फैजाबाद की, फैजाबाद में वो रहते थे, अयोध्या में उनका गुरुआश्रम था। तो कभी कभी वो आते थे जब गुरुआश्रम, तो अब साधुओं का भोजन अपना साधारण बनता है, मोटा चावल बन गया, दाल, टिक्कर, साधु लोग रोटी को टिक्कर कहते हैं, मोटी मोटी रोटी बना लिए, सब्जी है तो है, नहीं तो है नहीं, अपना खा लिए। तो जब वे आवें तो गुरु जी बड़े व्यवहारिक रहें, उनके लिए थोड़ा पतली रोटी और घी लगवा दें, थोड़ा चावल महीन करवा दें, सुबह उनके लिए दूध वूध जलपान कर दें। अब वे घर से एकदम नाखुश हो गए और कहे, महाराज अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब आपकी शरण में रहूंगा। उन्होंने बहुत समझाया, नहीं माने, लड़के आए नहीं माने, रहने लगे। तो पहुनई की बात दो चार दिन की होती है, रोज रोज तो सामान्य में चलेगा। तो अब साधुओं के साथ चटाई पर सोना, और जो साधुओं का टिक्कर है वही वो भी खाना, और सुबह जलपान, कहीं उबला हुआ चना और कभी कुछ। अब धीरे धीरे उनको लगने लगा कि बड़ा मुश्किल हो गया। तो एक दिन सरजू नदी में स्नान करके रेत में खड़े थे और एक हाथ की कलाई दूसरे में पकड़ के ऐसे नाप रहे थे कि कुछ पतला हो गया। और उनके गुरुजी समझ रहे थे, लेकिन उनके गुरुजी खूब चलते पुरजे थे, वो सोचे काफ़ी टूट जाए तब बात सामने आवे। इतने में गुरुजी सामने आ गए, कहे कहो भैया क्या बात है। तो शर्मा गए, कहे दुबले हो गए, कहे महाराज क्या करूँ, अब समझ में नहीं आता है, आश्रम में मैं रह नहीं पाऊँगा। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं प्रबंध करूँगा। गुरुजी उनको समझाते, आश्रम में गए, बीमार पड़ गए, जोर से बीमार पड़ गए, क्योंकि समझा दिए थे गुरुजी, बोली बंद। गुरुजी ने फ़ोन किया घर, लड़के आ गए गाड़ी लेकर के, कि देखो तुम्हारे पिता बहुत बीमार हो गए हैं, आ इनको संभालो। तो देखें तो बोले नहीं, हाथ पैर डोले नहीं, क्योंकि ऐसी बीमारी हो तो बोल भी दें, बनी बनाई बीमारी में और सावधानी बरते। तो गुरु ने कहा अब देखो देर करने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी में ला दे। ले गए और आज अपने घर में ले गए, लड़का ही एक डॉक्टर था, और डॉक्टर आ गए, जांच करने लगे, कुछ पता नहीं चलता था। डॉक्टर कुछ दवाई देते हैं, कुछ दवाई दिए तब वह थोड़ा होश में आए। तो कहे मैं कहाँ हूँ, तो गुरु जी ने कहा तुम अपने घर में हो। तो रोने लगे, महाराज मैं घर में नहीं रहूँगा, आश्रम में मर जाऊंगा वहीं ठीक है, यहाँ कौन ले आया, बड़े जोर से रोए। गुरु ने कहा देखो मुझे गुरु मानते हो तो मेरी आज्ञा मानना पड़ेगा, ये बच्चों का अपमान हो रहा है, तुम्हें घर में रहना है। कहे महाराज अब क्या कहूँ, जब आप ही त्याग रहे हैं तो मैं क्या करूँगा। तो अब गुरु इतने सावधान थे भाई, व्यवहारिक थे, अब ऐसा कहे उनकी इज्जत भी रही, वो घर में रहने लगे। लेकिन अगर आप लोगों में से मेरे पास कोई आओ तो ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं तो आपके घर फोन कर दूँगा कि आपके पिताजी घबरा रहे हैं, इनको ले जाओ। इसलिए कोई मेरे पास इस तरह से ना आना। तो घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, और मठ पर बताया काम, तो बंदे रमता रहा, इससे काम नहीं बनेगा, गृहस्थी में रहो, जहाँ जो है वहीं रहें, वैराग के लिए पूछना नहीं पड़ेगा। एक युवक आया, ला करके आया था, 28 वर्ष की उम्र थी और कई महीनों रहा। मैंने कहा बेटा तुम घर चले जाओ, 30-35 वर्ष की बात है। वो नहीं जाना चाहता था, मेरा पैर पकड़ करके रो डाला,
मैंने कहा तुम्हारे में वैराग नहीं है, तुम घर चले जाओ, नहीं तो एक दिन अपने आप जाओगे। तो गया तो एक बार पत्र लिखा कि साहब मुझे जब पूरा वैराग्य हो जाएगा तो आप मुझे बुला लीजिएगा। तो मैंने उसको उत्तर लिखा और उत्तर में लिखा कि एक महिला गर्भवती थी, तो एक दिन भोजन करने के बाद उसने अन्य स्त्रियों से कहा कि लगता है आज मुझे बच्चा पैदा हो जाएगा, तो ज़रा घर वाली दूसरी देवियाँ ध्यान रखें, जब मुझे बच्चा पैदा होना हो तो मुझे जगा देंगी। तो सब स्त्रियाँ हंसने लगी, अरे बेहूदी तू ही सबको जगाएगी। तो मैंने उसको लिखा कि भैया जब तुम्हें वैराग लगेगा तो तुम स्वयं भाग के आओगे, मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वो 20 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, मिलता ही नहीं। तो ऐसा वैराग काम नहीं करता है, जो जहाँ है वहीं वैराग करें। वैराग का मतलब है विराग, मोह न करना, अनासक्त रहना। अनासक्त रह करके काम करो, अपनी कमाई में कुछ पर सेवा करते रहो और दुखी दीन की सहायता करते रहो। घर में बड़ा खटपट है, प्रपंच है, कुछ सन्मार्ग में वे करने से चित्त की शुद्धि होती है। साधु का कर्तव्य है उस सद्ज्ञान का दान करें, गृहस्थ का कर्तव्य है जो उनके पास है उससे सेवा करें, और करते ही जो समझदार हैं, ये सब गृहस्थी के अंग हैं। गृहस्थी के अंग बहुत हैं, गृहस्थी आश्रम सबसे अधिक व्यापक है। इसी से इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, प्रोफेसर, विद्वान, संत, सूरवीर सभी निकलते हैं। गृहस्थी का सुधार हो जाए तो सबका सुधार हो जाए। इसीलिए साहेब ने कहा है पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्मी अपाच्छे, पहले पुत्र जन्मा तब बाप जन्मा। किसी को पुत्र जन्मता है तो उसको बाप कहा जाता है, वो पुत्र बाप कहता है। आप किसी गली में नहीं सुने होंगे कोई कहता जाए कि फलाने घर में बाप जन्मा है, पुत्र जन्मा कहते हैं। पुत्र जन्मता है, जब वो बड़ा होता है तो अपने पिता को बाप कहता है। इसलिए अगर पुत्र का सुधार हो जाए तो पिता का सुधार अपने आप हो जाएगा, और पिता का सुधार हो तो पुत्र का सुधार हो जाएगा। इसलिए खाने पीने की चीज़ें करीब करीब सबको मिलती हैं, ज़्यादा अहंकार और दुर्गुण ये कलह मचाते हैं। घर गृहस्थी वह घर है जहाँ पर एक दूसरे से मधुरता पूर्वक बोलते, मुस्कुरा करके बोलते, मीठे वचन बोलते हैं। शाम को घर में इकट्ठे हो, एक दूसरे से हंस हंस कर बात करो। 24 घंटे में एक बार हंसी का कह कहा आपके घर में उठना चाहिए, तब माना जाएगा लोगों के हृदय की कुंडी खुली है। एक आया तो दूसरा बोलता ही नहीं, देवरान जेठान से नहीं बोलती, सास बहू से नहीं बोलती, तो घर में स्वर्ग कैसे उतरेगा? स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, अपने में लौट आना स्वर्ग है। स्वर्गा स्वर्ग, स्व में गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। वैकुंठ विकुंठ, कुंठा रहित तो हो जाना, गांठ रहित तो हो जाना वैकुंठ है। वैकुंठ कहीं बाहर नहीं है। तो गृहस्थी स्वर्ग तब बनेगी जब प्रेम की गंगा बहे, हद चले सो मानवा। गृहस्थी मार्ग में जो चले ठीक से वो मनुष्य है। अब मैं इतना ही कहूँगा, समय पूरा हो गया है, शेष फिर।